जो लास्ट में भाई साहब आए थे वो ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, इसीलिए उनको अजीब सा लग रहा था, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। बिल्कुल ये बोलना, फिर उनको समझाया गया भाई ये होता है, तो उनको यही बोला कि मुझे क्या लेने देना पाकिस्तान से। ये ट्रू जो पहली बार देखते हैं उसको यही लगता है ये क्या पागलपन, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो इंडिया में बैठे, हमें क्या लेने देना, वो क्या सोचते नहीं। अगर इतनी तकलीफ है यहाँ पे आके देख लो। हाँ, अगर तुमको इतना ही तकलीफ हो रहा है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो आज फिर हम नेशन टॉक का मिक्स रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो नेशन टॉक के होस्ट पब्लिक के बीच में गए हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे जाके उनसे पूछ रहे हैं कि, क्योंकि पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत ही तंग किया जाता है, उनको अपनी नमाज नहीं पढ़ने देते। तो उसी के लिए वो होस्ट पब्लिक में गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती या पुलिस हैरान तो नहीं करती और क्या उनकी के पास आज़ादी है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। पाकिस्तान की बात क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है। अगर उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, पाकिस्तान का आदमी का जहर खा रहा है, मतलब नाक में खा रहा है, क्या उसको नहीं पता है क्या? या पता होता तो फिर काहे के लिए हमें इसे, तो वो इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी, हिंदुस्तान को अगर दर्द है हिंदुस्तान को तो आके हिंदुस्तान में आके वो विजिट करे, अपना देखे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। टान कहाँ पर होती है, लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल लाउड स्पीकर से होती है? कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ, जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हाँ, सब में अजान होती है, सब में अजान। कितनी बार? दिन में 5 बार। ना नमाज पढ़ने दिक्कत है, ना पर्व करते त्योहार में दिक्कत है, कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जो हिंदुओं का काम हो वो अपना काम करते हैं, जो मुस्लिम का काम हो वो अपना काम करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज शुक्रवार है और आज हम मौजूद हैं एक मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद है और यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के कि भारत के अंदर नमाज बैन है, इसके अलावा अजान बैन है, इसकी इस तरीके की बहुत सारी अफवाहें वहाँ पर फैलाई जाती हैं। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखा देंगे और यहाँ पर जो लोग पढ़ के निकलेंगे उनसे भी हम लोग बात करेंगे। बेटा आप पढ़ चुके हो नमाज? हाँ। कितने टाइम? 12:30 बजे। क्या नाम? अच्छा, मोहम्मद इदरीस। आप पढ़ चुके हो? जी हाँ। कौन से मस्जिद में पढ़ा? मस्जिद में। कोई दिक्कत होती है नमाज? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? देख लो। आप भी पढ़ चुके हो? जी। कौन से मस्जिद में? नूरी मदीना मस्जिद में। अच्छा, इस कस्बे में कितनी मस्जिद हैं टोटल? यहाँ से 10 से 15 मस्जिद हैं। तो कोई नमाज वमाज पढ़ने जाए तो कोई दिक्कत होती? नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी कुछ लोग बाहर से निकलेंगे, फिर हम बात करते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा अगर आप चाहो तो फुटेज ले सकते हो आप अंदर जाके। 10-15 तो मस्जिद है एक एरिया के अंदर, तो फिर क्या मनाई होगी। चलो हो गए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नियाज। क्या करते हो आप? काम क्या करते हो, मतलब पढ़ते हो? दुपट्टे का स्टॉल वगैरह, कपड़े का काम। कपड़े का काम। अच्छा ये बताओ, यहाँ नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत आती है? आप आते हो आराम से नमाज पढ़ते हो कि कोई परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कितनी बार नमाज पढ़ते हो? दिन में 3 बार 2 बार जैसे भी हो। अच्छा, जैसे टाइम मिलता है मतलब उस हिसाब से पढ़ लेते हो। और आज जो शुक्र वाली नमाज है हमेशा पढ़ते हो आप? हाँ। ये बताइए, जो अजान होती है वो किस तरीके से होती है, मतलब कैसे आपको पता चलता है कि अजान हो रही है? अजान होती क्या, वो हर मुसलमान बंदा जान जाता है कि मतलब अजान का वक्त है, अजान होने वाली है। नहीं, कैसे आप अजान कैसे सुनाई पड़ती है आपको? कानों से सुनाई देती है, मतलब लाउड स्पीकर से ना आवाज जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत के अंदर अजान बैन है, लाउड स्पीकर पे कोई अजान देगा तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए? हाँ, सब में अजान होती है। सब में अजान। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। कितनी बार होती है? 5 बार। कोई परेशानी, कोई रोक टोक है यहाँ पे? कुछ नहीं है ना। आप किसी भी टाइम आके लोग नमाज पढ़ते हैं, उसकी भी कोई रोक टोक नहीं है। अगर इस तरीके की अफवाहें कोई फैला रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए, किस तरीके के लोग होंगे वो? उनको सामने ले, हम बता देंगे। सामने नहीं ला सकते हैं दरअसल में। देखो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर ये हाल ही में अफवाह फैली थी कि यहाँ पर जितने भी लाउड स्पीकर थे उनको उतार दिया गया और यहाँ पर बैन कर दी गई अजान। तो उन लोगों को हम लोग कैसे समझा सकते हैं? हम लोग तो दिखा सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना, तभी उनको सुनाई पड़ेगा। अदरवाइज जो चीज़ें उनको बोली जाएंगी, समझाई जाएंगी, वही तो समझ में आएगा ना उनको। बताइए। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं, जो भी बोल रहा है या मतलब यूपी में ऐसा हो रहा है कि मतलब जो बता रहे हैं कि यहाँ अजान नहीं हो रही, ये गलत है। हमने भी यहाँ पे अफवाह सुनी थी कि वजह मतलब किसी और यूपी को छोड़ के कहीं और भी है ऐसा कि अजान नहीं हो रही है, सुनने में आया था हमारे पास, यूपी में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, जैसे ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, इससे जो धार्मिक माहौल है, चीज़ें हैं, सब लोग आपस में मिल के रहते हैं, ये खराब करने के लिए ही मनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है माहौल ऐसा कि जो सब लोग आराम से रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं फूट डाली जाए। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? हम सबकी क्या जिम्मेदारी बने? इसमें फूट डालने से क्या, आप हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग रहते हैं, हम लोग सब जानते हैं, यहाँ जितने लोग रहते हैं सब जानते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग देखते हैं कि छोटी सी क्लिप कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, वो देख के वो दिमाग सेट कर लेते हैं, तो उनके लिए फिर कैसा क्या किया जाए? तो क्लिप बंद कराई जाए ना, वो क्लिप बंद कराई जाए। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मान लो कोई दुनिया भर के कहाँ देखना चाहता है, तो क्या जो है भारत के मुसलमान उनसे क्या कहना चाहता है? मेरा मतलब ये है, वो आप सब मिलजुल कर रहिए, अपना जो काम है उनसे बने या हमारा उनसे बने, आपस में मिलकर रहें, और क्या है इसमें, है ना, मिलकर रहना चाहिए। भारत का हर एक नागरिक यही सोचता है कि सब लोग मिलकर रहो। छोटी मोटी घटनाएं जो होती रहती हैं वो हर तरीके के लोग हर देश के अंदर होते हैं, उस तरीके के लोगों को किनारे ही कर देना चाहिए। किनारे का मतलब मेरे भाई, उसको कहाँ जाने दोगे, जो भी है तो इंसान ही। अरे देखो, जो लोग गड़बड़ लड़ाई झगड़ा कराते हैं उनको किनारे मतलब उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, हम लोग उनसे छुट्टी पा जाते हैं, फिर सब लोग आराम से रहने लगते हैं। नहीं, हमारे दिन में क्या है मतलब सबर करना। अगर कोई तंग कर रहा है तो उसको सबर करो, हमारे दिन में ये है। अगर हम सबर कर रहे हैं तो अगले वाला को मतलब डाउन हो जाता है, दो हाथ मारेगा क्या होगा। अगर हमारे अंदर सबर है तो सबर कर लेंगे, धीरे धीरे करके सब खत्म ही हो जाती है चीजें। आप भाई नमाज पढ़ते हैं? लड़ाई करके क्या फायदा? कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अजान कहाँ पर होती है? लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल? लाउड स्पीकर से होती है। कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्यौहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है, अफवाह फैलाना लोग जिनका है उनका तो यही काम ही है, वो यही करते रहेंगे ना। कोई कहता है कि हम बड़े, कोई कहता है हम बड़े, दुनिया तो है ही है अपनी जगह पर, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा बेटा, आप ये बताओ, बेरोजगार लोग हैं, आप नमाज पढ़ते हो, कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, वहाँ के कुछ लोग हैं, मीडिया है, वो ये चिल्लाता रहता बीच बीच के अंदर कि भारत के मुसलमान आज़ाद नहीं है, गुलाम है, इसके अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते, त्यौहार नहीं मना सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या कहना चाहेंगे? उधर देख हम क्या कहना चाहेंगे, उनको जो भी कहना कहने दीजिए, हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। उनसे कहने से और हमारे कहने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। वो कहते हैं कि उधर देख के बोलिए, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उन्हें जो कह रहे हैं कहने तो, हमारा काम है नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, ये काम है उनको, उनका जो भी काम है वो कहें, गाली दें, बुरा भला कहें, हमारे अंदर दिन में सबर का काम है, सबर करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो ये चीजें जब फैलाई जाती है, जैसे अब आप हो, हमने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, इसने बता दिया, तो आपको गलत फहमी होगी ना कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कुछ दिमाग के अंदर, तो इस तरीके की चीजें सोच होनी चाहिए ना उसके लिए। हमारे अंदर यानी अगला आदमी गाली दे, हमसे कोई आकर कहे, हमारे सामने कोई कहे तो हम उसे कहेंगे। कोई किसी का कोई भी कह सकता है, दुश्मन भी होते हैं इस तरह के कि गाली देने वाले, कि वो जाके कुछ जलते हैं कि बता दो उनके बारे में कि वो लड़ाई करना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं, सारे नहीं, कुछ अच्छे भी होंगे, हर जगह बुरे अच्छे सब होते हैं, तो जो कुछ लोग हैं भारत में जो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, आराम से त्योहार मनाते हैं, उनसे जलते हैं, इसीलिए शायद इस तरीके के अफवाहें उड़ाते रहते हैं। नहीं, उनसे हमसे कोई लेना देना ही नहीं, वो कहते हैं कहने दो भाई, उनका काम जो वो करें, हमारा काम है वो हम करेंगे, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं सर? ये कस्बा है तो यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, किस तरीके से सब लोग रहते हैं? जैसे रहते हैं बस वैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब रहते हैं, है ना। अभी जैसे होली है तो सब लोगों ने मिल के, ईद आती है तो सब लोग, सभी लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे सब लोग को मिलजुल के रहते हैं, तभी हम लोग आ गए। आप बताइए, अभी नमाज पढ़े आपकी तरह, कोई दिक्कत होती है? नहीं, नमाज कोई त्योहार जो मनाने होते हैं आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से एकदम बिंदास रहते हैं। बिंदास रहते हैं, यहाँ सब मिल मिल के रहते हैं। देख के बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता द्वारा यहाँ सभी लोग एक साथ रहते हैं। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जो हिंदुओं का काम हो वो अपना काम करते हैं, जो मुस्लिम का काम हो वो अपना काम करते हैं। अच्छा सुनिए सुनिए, ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मेरे वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दम है तो दिखाओ जाके, तो हम कहें भैया यही कि नमाज लोग पढ़ते हैं यहाँ पर और ये चीजें। हाँ नमाज क्या मतलब कि वो कह रहे थे पाकिस्तान के कुछ लोग कमेंट किए थे कि यहाँ के दिखाओ भैया के यहाँ हिंदुस्तान से क्या वास्ता भाई, पाकिस्तान है पाकिस्तान। आप ये बताओ कहाँ रहते हैं आप? हम यही बाराबंकी में रहते हैं। पाकिस्तान की बात क्या कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है, अगर उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी। पाकिस्तान का आदमी का जहर खा रहा है, मतलब नाक में खा रहा है क्या? उसको नहीं पता है क्या? पता होता तो फिर काहे के लिए हमें इसे तो वो इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी, उनको आप बड़ा करिए ले जाके पाकिस्तान। अरे हम कहा भाई जब उनको इतनी समझ नहीं है कि जो आप बता रहे हैं नमाज क्या बता रहे थे अभी आप? मतलब वो देखिए मुसलमान सुनिए देखिए भाई, हम जानते हैं आप जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं यहाँ पर, लेकिन जो दूर बैठा है उसको जो बताया जाएगा, उसके जो वहाँ की मीडिया दिखाएगी वही तो हम लोग जानेंगे ना। हिंदुस्तान को अगर दर्द है हिंदुस्तान को, तो आके हिंदुस्तान में आके वो विजिट करे, अपना देखे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। जी 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 इनको बोले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द है तो हिंदुस्तान में आके अपना देखिए कि हिंदुस्तान में कैसे चल रहा है। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? अच्छा बता भी दीजिए कैसे चल रहा है, क्या चीज भारत में कैसा चल रहा है। भारत में देखिए हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, सुकून से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पहली बात तो जात तो दो हैं, मैं पूरी दुनिया के अंदर सीना ठोक के कह रहा हूँ, जात सिर्फ दो जात है, औरत जात और आदमी जात, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ दो जात है, औरत जात और आदमी जात, क्लियर है। और पाकिस्तान रही बात पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द हो तो हिंदुस्तान में आके अपना घूम ले विजिट कर ले, उसको जो दिक्कत हो वो बताए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये नेशन टॉक की वीडियो थी और हमने कई सारे इनके वीडियोस पे मिक्स रिएक्शन किए हुए हैं, और ये वाला भी जो पाकिस्तान वाले नेशन टॉक चैनल पे कमेंट्स करते हैं, तो उसी की वजह से इन्होंने ये वीडियो भी बनाया है। और मस्जिद में के पास गए हैं और जो नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है नमाज या आज़ान के समय में, या फिर कोई पुलिस वाले आके अरेस्ट नहीं कर लेते या ऐसा कुछ जो पाकिस्तान वाले बोलते रहते हैं। तो उसके लिए ही ये भाई वहाँ पे गए थे और सबसे पूछ रहे थे। और देखिए ये पाकिस्तान वाले के ये लोग तो बेरोज़गार लोग हैं, कुछ है नहीं उनके पास काम धंधा, तो ऐसे ही बात करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, तो उनको जवाब देना बनता नहीं है, लोग ही सोच ही उनकी ऐसी है। तो फिर और कभी कभी हमारे यहाँ भी किसके बीच में झगड़ा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में भी हो जाता है, हिंदू हिंदू में भी हो जाता है, तो ये छोटी मोटी घटनाएं तो सभी जगह होती है, तो उसको वहाँ पे बहुत ही दिखाकर ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लोगों को आज़ादी नहीं है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अफवाह वो लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सबको आज़ादी है, सबके लिए लॉ भी एक है, उनके यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं उनको आज़ादी नहीं मिलती, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं, और उनके कई सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी ऐसी बात करते ही रहते हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।